देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल लद्दाख आवाज करगिल। Ya, 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 ya
Like working,
Sudhir, Srina, Ravi, Raskari and Kashmiri. And this festival is not only about celebrating jazz as an art form, it's also celebrating jazz as a heart form. As you will witness, it is the upcoming moment where we are going to take you on a joyride. Now, to present our welcome speech for today's occasion, I'd like to invite our worthy Deputy Commissioner, Council CEO, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब सत्यपाल मलिक साहब उनके हमरा स्टेज पे जलरा फरोज जी वकार शख्सियात मेरी मुराद ऑनरेबल चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब हाजी अनायत अली साहब मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमयांग नमग्याल साहब ऑनरेबल चेयरमैन LAHDC जनाब फिरोज अहमद खान साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब आगा सैयद अब्बास रिजवी साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब इंजीनियर फुनसद ताशी साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब आगा सैयद मुश्तबा साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब मोहम्मद अली चंदन साहब रिस्पेक्टेड GOC 8 माउंटेन डिव मेजर जनरल संजीव डोगरा साहब रियासती और जिलाई आला अफसरान और मोजस ख्वातीन और हजरात ऑनरेबल सर ये संघ लाख गैर जीजर खिता आपकी आमद का मुंतजिर था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा आज वो घड़ी आ पहुंची है के मुल्क के सपूत और रियासत जम्मू कश्मीर के सरबरा इज्जत माब गवर्नर जम्मू और कश्मीर जनाब सत्यपाल मलिक साहब इस खिताए तूल अर्ज में तशरीफ फरमा है मैं बसीरुल हक चौधरी डिप्टी कमिश्नर करगिल जिला हिल काउंसिल और इंतजामिया की जानिब से इज्जत माब गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक साहब और तमाम मेहमानों का करगिल आमद पर अमीक दिल की अमीक गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और दो रोज़ा करगिल लद्दाख सकाफ़ती मेले में खुश आमदीद कहते हुए दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल सर ज़िला करगिल अपनी ज़बान व अदब और सकाफत के हवाले से अपने आप में एक मिसाल है जिसका अंदाज़ा यहाँ की शानदार तारीख लोग अदब लोकगीतों और मकामी रवायात से होता है करगिल हमारे मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है जहां मुख्तलिफ तहजीब व तमदन से ताल्लुक रखने वाली अकवाम मौजूद हैं जिनकी अपनी अलग अलग खसूसियात हैं इन पर इनमें कुर्दी बल्ती दर्द और शीना जात के लोग कदीम जमाने से यहां पे आबाद हैं दर्द कौम जो जिला के दार्शिक गरकोन और मुलहिका मौजूद में आबाद है उनकी कदीमी सकाफत तहजीब व तमदन और बोधबाज दिगर अकवाम से अलग है और नुमाया हैसियत रखते हैं इनके होलिये कदोकामत और खूबसूरत जिस्मानी साखत की बुनियाद पे इन्हें आर्यन और सिकंदर आजम की नस्ल से करार दिया जाता है इनकी ईमानदारी वफादारी और नेक नीति इनके मुकाम को और बुलंद और नुमाया करती है ऑनरेबल सर जिला करगिल जमाना कदीम से ही मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारा और यहाँ के लोगों की सादगी और ईमानदारी के लिए न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क में मारूफ है यहाँ के लोग ईमानदार वफादार और मुहिब वतन हैं और इन्हीं जज्बात और औसाफ को तकबीयत देना वक्त की अहम ज़रूरत है इस मकसद के हसूल की राह में ऐसे सकाफ़ती मेलों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता ऑनरेबल सर ज़िला करगिल की कुल आबादी 1.5 लाख है और इस खिता में साल के 6 महीने तक यह बसता रहता है और लोगों की आमदनी का खालस जरिया स्याही सियाती सनत की है जिसको बढ़ावा देना नहायत ही जरूरी है
ऑनरेबल सर, मैं जिला के तूल अर्ज में जगह जगह गया और अवामी मसाइल सुने और अपनी बसात के मुताबिक मौका पे ही हल किया। इस दौरान मुझे ये भी जानने का मौका मिला कि इस शानदार तहजीब व तमदन, लोक रवायात और मशहूर तारीखी मकामात की बाजाबता तशरी से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को यहाँ रागम किया जा सकता है। ऑनरेबल सर, इस मिली जुली और कदरे मुख्तलिफ सकाफत की तहफ्फुज़ और आबियारी के मकसद से हर साल करगिल लद्दाख सकाफती मेले का इनकार किया जाता है। ऑनरेबल सर, इस सकाफती मेले की मदद से जहां एक तरफ सकाफत को तहफ्फुज़ देने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के रवायती खेल पोलो और तीर अंदाजी की रवायत को तरोताजा किया जाना भी इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। ऑनरेबल सर, मैं इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी कदीम रवायात, रंगारंग तहजीब व तमदन और मशहूर तारीखी मकामात की वजह से जिला करगिल में कल्चरल टूरिज्म यानी सकाफती सियाहत की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और करगिल लद्दाख सकाफती मेले के जरिए जिला हिल काउंसिल और जिला इंतजामिया की ये कोशिश रही है कि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को जिला की तरफ से रागब किया जा सके, जिससे यहाँ सियाती सरगर्मियों को मजीद फरोग मिले और इस शोबा से वाबस्ता अफराद की माशी हालत में भी सुधार लाया जा सके। ऑनरेबल सर, यहाँ पे ये बात भी बताना काबिले जिक्र है और काबिले गौर है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए ट्रेड एंड ट्रेवल फ्रेटर्निटी, जो हमारी खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पे आई है, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस फेस्टिवल, इस सियाही सकाफती जो हमारा फेस्टिवल है, इसमें उन्होंने चार चांद लगाए और यहाँ का दौरा करेंगे और उसके बाद जो है हमारे सियासी यहाँ के जितने भी मकाम हैं वो हिंदुस्तान के और बैन अवी सतह के उसको जो है वो प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की सियाह जो है उनको आने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी या बेचैनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर में ऑनरेबल सर, मैं ये बात फिर आपके सामने लाना चाहता हूँ और दूसरी जितनी भी शख्सियात यहाँ पे बैठी हैं उनके सामने ये लाना चाहता हूँ कि आज की इस तकरीब में शिरकत पे आपका मैं दिल की अहमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिवल चार चांद लगाए, ये फलता फूलता रहे, परवान चढ़े और नस्लों तक वाबस्ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री गुरु के विचार के बारे में आपका बहुत शक्र हूँ। प्रश्न और बातों का वस्त्र रहा है। मैं सेंट्रल एशिया यानी चैलेंज को किसान जिनके हम खास कर यहाँ पर खासा कोशिश से ताजे यहाँ आकर तजारत करते थे। कभी कभी जमाने से आपके जिला के लिए मेलों और त्योहारों के लिए मशहूर है और रहे थे मोर्टी जिससे डिप्टी कमिश्नर जिला वसीम हक के उद्योग इसके बाद जैसे मोटी डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया कि करगिल वो सरजमीन है जहाँ सदियों से मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ कस्बों के लोग इसी भाईचारा और अमन के साथ बसर कर रहे हैं। Thank you.
उसके बाद मिंदो सर कल्चरल ट्रूप हरदास के फनकार यहाँ पर एक बल्कि रक्स पेश करेंगे। बल्कि सिलसिला है कोहे कुरान और हिमालय के दरमियान पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में फैला हुआ पूरा इलाका क्रिप्टो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और बाशिंदों को बल्कि कहा कहते हैं। इसके जुनूब में आप कश्मीर मशरक में कारगिल वाले और मगरिब में गिलगित और जामनेर की वादी आबाद है, जबकि शुमाल में कोहे कुरान के सिलसिले पाकिस्तान को चीनी सूबा सिंकियांग यानी सिंकियांग से जुदा करती है। सिंकियांग की तरफ से ये इलाका कोलोन कहलाता है और महाप्रेम के अंदाजे के मुताबिक कोलोन कोलोन की बिगड़ी हुई शक्ल है और ईरानी मतलबी इस एरिया को तिब्बत हुरुत यानी लिटिल तिब्बत कहते हैं। पाकिस्तान अदब की सरजमी है, यहाँ का हर बाशिंदा फितरी तौर अदीब शायर और फनकार है। बल्कि लोग रस्म व मौसीकी के बहुत ही शौकीन हैं। बल्तिस्तान कदीम ज़माने तहजीब और तमद्दुन का गहवारा और तारीख खत्ता रहा है। बल्कि जबान में गीत को लू कहते हैं, ज्ञानों को सी है उसको लुकार कहते हैं। इसमें बोल ताल मौसीकी के साथ साथ नाच गाना होता है। गॉडफरी विक ने द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर टू बल्तिस्तान हु विजिटेड बल्तिस्तान इन 1832 इन हिज बुक ट्रेवल्स इन कश्मीर लद्दाख एंड अस्कर्दू राइट्स that the unique thing he found among the Baltis is always their smiling faces, singing lips and clapping hands. Now after this, I will request the artists of Mindok Sir Hardas to come on the stage and perform a beautiful classical Balti song and Balti dance. Thank you.
तो बहुत जखैज है ये मिट्टी, अगर थोड़ी भी न हो तो thank you.
جناب جمیان سرنگ نمجال صاحب ایگزیکٹو کونسلر صاحبان جی او سی صاحب ڈی سی صاحب ایس ایس پی صاحب اور ہمارے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ٹور آپریٹرز ضلع افسران دو روزہ کرگل لداخ سیاحتی محلے میں شرکت کرنے والے فنکار اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں السلام علیکم و جلے دو روزہ کرگل لداخ ثقافتی محلے کا سلسلے میں میں سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان خصوصی عزت ماف گورنر جموں کشمیر جناب ستیہ پال ملک صاحب کی کرگل تشریف آوری پر یہاں کے عوام الناس اور ضلع ہل کونسل کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں جناب والا کا استہ دل شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود کرگل تشریف لا کر اپنے دست مبارک سے اس دو روزہ سیاحتی میلے کا افتتاح کیا. جناب والا اس ثقافتی میلے کا انعقاد جہاں ایک طرف ضلع کی تہذیبی گوناگونیت سے ریاست اور ملک کے لوگوں کو متعارف کرنا مقصود ہے وہیں دوسری طرف ضلع میں ثقافتی سیاحت کو مزید وسعت اور فروغ دینے کے علاوہ ضلع کی اقتصادی شرح نمو کو بڑھانا بھی اس کا دوسرا اہم مقصد ہے. جناب والا میں ضلع کرگل کے عوام اور لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کی جانب سے گورنر انتظامیہ کے دوران ضلع کے دینی نامانگوں کو ایک مختصر وقفے کے دوران پورا کیے جانے پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جن میں لداخ کو صوبے کا درجہ عطا کرنا کلسٹر یونیورسٹی کی منظوری دو اضلاع کے حق میں مساوی بنیاد پر ڈائریکٹرز کی منظوری 490 اسامیوں کا قیام کرگل ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے 200 کروڑ روپے لنگ مشین سکیموں کی تکمیل کے لیے 280 کروڑ روپے کی منظوری دونوں اضلاع کے ہل کونسلوں کے اختیارات میں مزید اضافہ اور اعلیٰ نوعیت کی اقدامات شامل ہیں. ان تمام اقدامات سے بلا شک یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گورنر انتظامیہ ریاست کے پاسماندہ اور بچھڑے ہوئے علاقوں کی لوگوں کی فلاح بہبود اور ان کی فریاد رسی کے تئیں کتنی سنجیدہ ہے. جناب والا جہاں ایک طرف مندرجہ بالا تاریخی اقدامات کو لیے جانے پر ضلع کی عوام الناس کو بے حد خوشی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف چند ایسی مانگے ہیں ابھی بھی پوری ہونی باقی ہیں جن کے ازالے کے لیے ہماری امیدیں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں. میں آج کے اس نہایت ہی اہم اور خوبصورت تقریب کے مناسبت سے چند نکات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں جو کہ کافی عرصے سے یہاں کے عام الناس کی اولین مانگوں میں شامل ہے. جناب والا لداخ ڈویژن کو 12 مہینے بیرونی دنیا سے جڑے رکھنے کے حوالے سے زوجیلا ٹنل کی اہمیت اور ضلع کرگل کے لیے باضابطہ ہوائی سروس کا اہتمام کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس سلسلے میں میں اب گورنر انتظامیہ سے متبانہ گزارش کرتا ہوں کہ زوجیلا ٹنل کی تعمیر کا کام فوری بنیادوں پر شروع کیا جانے کا معاملہ مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کرگل ایئرپورٹ کی توسیع کا کام بھی جلد از جلد شروع ہو. اس کے علاوہ ضلع میں مختلف شکموں کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کی تسلی بخش تکمیل کے لیے اضافی فنڈ فراہم اور یہاں کی ترقیاتی کاموں کو مزید تقویت دینے کے لیے اسٹیٹ سیکٹر سے فنڈ کی واگزاری بھی اشد ضروری ہے. علاوہ ضلع کے دور دراز علاقوں کے طلبہ و طالبات کے لیے تسلی بخش اصول تعلیم کو ممکن بنانے کے لیے ضلع میں خواتین کے لیے ڈگری کالج سنک اور سب ڈویژن میں ڈگری کالج اور پروفیشنل کالج کا قیام بھی عمل میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اضافی فنڈز کی واگزاری کرگل زانسکار قومی شاہراہ کے کاموں پر سرعت لانے کے لیے فنڈز کی واگزاری
लद्दाख डिवीजन में काम करने वाले मुलाजिमीन के हक में 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, कुर्बतान प्लेटों से फौज की मुंतकली, जिले में IRP बटालियन और वुमेन पुलिस स्टेशन, कुछ ऐसे अहम मामलात हैं जिनकी तरफ जनाब वाला का ध्यान मजबूत कराना यहाँ जरूरी समझता हूँ। दीगर अहम मामलों में जिले के मुख्तलिफ महकमाजात में काम कर रहे केजुअल मुलाजिमों की जेर इस्तवा उजरतों की अदायगी के लिए फंड की वागजारी, कौंसल सेक्रेटरी करगिल के कामों को मुकम्मल करने और द्वारका दिल्ली में करगिल भवन की तामीर के लिए फंड्स की वागुजारी शामिल है। जनाबे वाला, आप इस अमर से बखूबी तौर वाकिफ होंगे कि जिले करगिल के अवाम ने मुल्क की सालमियत और विकार के खातिर हमेशा से ही अपने जान व माल का नजराना पेश किया है, जिसके सबूत 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंगों से मिलता है, जहां यहां के आम उन्नास ने हमारी बहादुर फौजी जवानों के शाना बशाना काम करते हुए मुल्क की आन पर कोई आंच आने नहीं दिया। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि जनाबे वाला की खुसूसी मुदाखलत से मुंदरज ज़ैल वाला मांगों को पूरा किया जाए ताकि यहां के पासमानदा आवाम को राहत मिले। आखिर में मैं एक बार फिर करगिल के अवाम उन्नास की जानिब से जिले में तशरीफ आवरी पर जनाबे वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर इंतजामिया हमेशा की तरह आने वाले वक्त में भी यहाँ के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पुख्ता और तसल्ली बख्श इकदाम का सिलसिला जारी व सारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जनाब शेरिंग नामग्याल जी MP लद्दाख, जनाब हाजी इनायत जी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिरोज अहमद खान CEC LASPC कारगिल, मेजर जनरल संजीव डोगरा GOC 8th माउंटेन डिवीजन, बशीर चौधरी साहब DC कारगिल और कारगिल के डिफरेंट अलग अलग रंगों और तहजीब के लोगों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बच्चों, ये मैं आज का दिन अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन समझता हूँ। इस देश के नेता भाषण तो बहुत देते हैं मेरा मुल्क मेरा देश, लेकिन देखते नहीं अपने जिले के बाहर भी जाकर। मुल्क बोलने का उन्हीं को हक है जो मुल्क के हर खित्ते में जाके उसको देखें, समझें, परखें और जानें। तो यहाँ आके मेरी जानकारी किताबों में मैंने बहुत पढ़ा और यूरोप के तो बहुत फोटोग्राफर आपके यहाँ और जनसकार में आके दुनिया में नाम कमा चुके हैं, वो भी मैंने उनके काम देखे। लेकिन जो आके जमीन को महसूस करना होता है, आपसे मिलके आपको महसूस करना होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें समझना होता है, वो एक अलग ही तजुर्बा होता। तो उस लिहाज से ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल और पूरा लद्दाख, लेह और कारगिल जिला 50-60 साल में इनकी बहुत बेकदरी हुई। इनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी डेवलपमेंट में वो नहीं मिली। मैं जिस दिन मुझे गवर्नर बना के भेजा जा रहा था, मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या आपका क्या मैंडेट है, मुझको क्या करना। तो उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं करना, डेवलपमेंट करना है और आउटरीच करना है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के लिए एक्सेसिबल होना। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो तीनों हिस्सों में ना बराबरी है उसे खत्म करना और जिनको हिस्सा नहीं मिला है उनको हिस्सा देना। हमने 2-3 महीने के बाद ही आपको कमिश्नरी दी, वो कोई मेहरबानी नहीं थी, आपका 40 साल पहले का हक था। आपको कमिश्नरी मिली, अभी तो कमिश्नरी के सब ऑफिस भी डिक्लेयर हो गए और भी होंगे। आपको यूनिवर्सिटी दी और अभी आपके जो ये हैं अपने हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अभी कहा कि कॉलेज की जरूरत है। मैंने गवर्नर रूम में आने के 6 महीने के अंदर 52 कॉलेज 52 कॉलेज जम्मू कश्मीर को दिए और उसमें
जब मैंने महसूस किया कि बहुत जगह बच गई हैं, तो अभी हम 2 महीने में 50 कॉलेज और देंगे। मैं यहाँ आपको घोषणा करता हूँ कि एक बच्चियों के लिए कॉलेज और एक लड़कों का कॉलेज हम जाते ही 15-20 दिन में मैं घोषणा कर दूंगा। और आपके यहाँ उन 50 कॉलेजेस में से सबसे पहले कारगिल और लेह में जहां जहां कॉलेजों की जरूरत है वो हम देंगे और वो उसको जल्दी से जल्दी चालू कराएंगे। आपके यहाँ जो डेवलपमेंट के काम हैं वो बता दिए होंगे आपको, जो मुझसे पहले लोग बोले उन्होंने बताया। जो असली चीज है वो है आपका, आपके यहाँ आए हुए हैं टूर ऑपरेटर्स, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमने यहाँ जो आपका एयरपोर्ट है इसको 11,000 फीट इसकी लंबाई करने का प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें देरी इसलिए हुई थी कि इसमें 3-4 महकमे इन्वॉल्व होते हैं, सिविल एविएशन का भी है, एयरफोर्स भी है, हम भी हैं, लेकिन हमने अपनी सरकार की तरफ से 200 करोड़ इमीडिएटली ग्रांट कर दिया था और जितना रुपया चाहिएगा हम इसके लिए देंगे। इसी के साथ इसको एयरपोर्ट गवर्नर के जहाज के लिए नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसमें सिविल जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। जिस दिन यहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स आने लगेंगी उस दिन आपके पास मेहमानों को ठहराने के लिए जगह नहीं रहेगी, इतने टूरिस्ट लोग कारगिल को देखना चाहते हैं पूरे मुल्क में, तो ये जल्दी से जल्दी करने का इरादा है। सोलर पावर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कारगिल के लिए है, क्योंकि लेह की तरफ तो बिजली का प्रोजेक्ट चला गया था, अब फेज वन में आपको 2500 मेगावाट सोलर कैपेसिटी कारगिल में हम लोग करेंगे और उससे आपकी बिजली की बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। मैं ये तो काम की बातें थी, ये मैं इसको यहाँ खत्म नहीं करता हूँ। आपके चेयरमैन साहब, आपके काउंसिल के लोग, आपके एमपी साहब बहुत एक्टिव हैं और मेरे साथ उनका लगातार मिलना जुलना रहता है और आपको जान के हैरत होगी आज मैं कारगिल में हूँ, कल मैं नुब्रा में रहूंगा, परसों नुब्रा में रहूंगा और 31 को मैं झंस्कार रहूंगा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका किस्सा, आपका इलाका हमारी निगाह में कितना महत्वपूर्ण है। जबकि मुझे कहा गया था कि वहाँ झंस्कार में तो इस वक्त एयर इसको हेलीकॉप्टर को उतरने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं सवेरे सवेरे 7 बजे वहाँ जाऊंगा, लेकिन जरूर जाऊंगा क्योंकि मैंने एमपी साहब से, चेयरमैन साहब से वादा किया। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि जो जम्मू कश्मीर है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब जगह है सारा मिलके आपके समेत, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक जमाने के दिल्ली के नेताओं ने और वैली के नेताओं इन्होंने मिलके इसका कबाड़ा कर दिया। दिल्ली के नेताओं ने तो चुनाव में बेईमानी की, गलत लोगों को बनाया, गलत लोगों को बिठाया, एक वोट भी था तो भी एमएलए एमपी घोषित कर दिया, और वैली के नेताओं ने वो सपने दिखाए जो पूरे किए ही नहीं जा सकते। कभी वो आजादी की बात बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी की बात बोलते थे। मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, मुशर्रफ साहब, वो बता के गए, हुर्रियत के लोगों को बताया, उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, उसको तोड़ने की मेरी औकात नहीं है, उस कोशिश में नहीं टूट जाऊंगा, लिहाजा जो लेना है बातचीत से ले लो। आपका तो संविधान भी अलग है, आपका तो झंडा भी अलग है, मेरी गाड़ी पे कश्मीर का झंडा भी लगता है, हिंदुस्तान का झंडा भी लगता है, तो आपको जो जो चाहिए वो बातचीत से लिया जा सकता है। तो जब इस वक्त वहां ये हालत है, आप आइए वैली में, 2 यात्राएं चल रही हैं, 5 बजे हाजी जाते हैं और उसके बाद जो हमारे अमरनाथ जी की यात्रा जाती, पीसफुल सब कुछ चल रहा है। कम तक 2.5 लाख लोग अमरनाथ जी जा चुके थे और हजारों लोग हज के लिए चले गए थे, पीसफुली सब आपसदारी के साथ हो रहा है, लेकिन नेताओं को वो सूट नहीं करता। नेताओं को झगड़ा, यहां झगड़ा हो और दिल्ली से फिर हम क्या चीज निकाल के लाते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितना रुपया जम्मू कश्मीर के नाम का दिल्ली से आया है, अगर वो नेताओं और अफसरों ने ईमानदारी से इस्तेमाल कर दिया होता
तो आपकी सड़कें सुनहरी होती, ये इलाके बहुत 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 ज्यादा तरक्की कर गए होते सारे देश में। मैं जब लोगों को कहता हूँ कि आइए आप कारगिल में, लेह में, लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में पैसा लगाइए, तो सब लोग छूटते ही बोलते हैं कि सारे देश में कमीशन 3% मांगा जाता है, कश्मीर में कमीशन 15% मांगा जाता है। आज भी एक टेबल से, सेक्रेटरीट की एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने के लिए एक फाइल को 4-4 महीने लगाए जाते हैं। अभी मुझे मेरे चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जो जिनके माँ बाप टेररिस्ट एक्टिविटी मर जाते हैं उन बच्चों को हम नौकरी देते हैं, वो SRO 43 बोलते हैं उसको। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से होके आता है, मैं उसको मंजूरी दे देता हूँ, उस लड़के की नौकरी लग जाती है। लेकिन आप साजुक करेंगे कि वो ऑर्डर होने के बाद भी उस बच्चे को तब तक नहीं मिलता जब तक वो 1 लाख रुपया नीचे कहीं रिश्वत ना दे। इतनी गंदगी है सेक्रेटरी। और मैं आपको कहूंगा, जब तक यहाँ के भ्रष्टाचार से नहीं लड़ोगे तब तक कितना ही रुपया आ जाए सड़कों के लिए, एयरपोर्ट के लिए, किसी के लिए, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। मैंने तय किया कि मैं अभी 2 मामलों में, मैंने आने के फौरन बाद मैंने 2 डील थे जिनमें 150-150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी और बड़े आदमी इन्वॉल्व थे जिनकी प्रधानमंत्री को भी जो जानते थे, मैंने उनको कैंसिल किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाके बताया कि साहब ये है, मैं इसे नहीं करूंगा, अगर ये आपके पास आए और आपकी मजबूरी हो तो मेरा आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं 6 कुर्ते 6 पजामे लेके गया हूं, ऐसा का ऐसा वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे रहते ये बेईमानी नहीं चले। अभी 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनमें मैंने जांच बैठाई, दोनों में एक एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, और वो जांच सही हो गई तो सेक्रेटरी और मिनिस्टर सब लोग जेल जाएंगे और आप देख के खुश होंगे कि इंसाफ हो रहा है और बेईमानी से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन उसमें मुझे आपके सहयोग की, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतनी गुंजाइश है तरक्की की जम्मू कश्मीर में जितनी देश में कहीं नहीं। अभी हम नॉर्थ ईस्ट का जो टैक्स की छूट है वो लेके आए हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है। मैं जिस दिन पहले दिन आया, ओथ लेने के बाद मैंने पहली मीटिंग सेक्रेटरिएट में करी, जनरल साहब आप क्योंकि फौज में अभी ये खराबी नहीं है इसलिए आप सुन के हैरत करेंगे, मैंने पहले दिन ये कहा कि श्रीनगर में जैसी बाढ़ आई थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए, लिहाजा हमको उसके अभी से इंतजाम करने चाहिए। उसके लिए 2 चीजें जरूरी थी कि एक तो वुलर लेक जो है वो ऊपर तक भरी हुई है, झेलम का सारा पानी उसमें जाता है लेकिन चूंकि वो भर गई है तो जाएगा नहीं, वो श्रीनगर में आएगा। एक फ्लड चैनल है जो बहुत बरसात के वक्त पानी को अलग से निकाल देती है। डल लेक जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक में से है, उसमें तमाम शहर की गंदगी, होटलों की गंदगी, मोटर हाउस बोट की गंदगी जाती थी और बहुत तरह की घास उसमें उगी थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम हम ये 3 काम करेंगे। और मुझे अफसोस और आपको भी ताज्जुब होगा कि अब मुझे 1 साल हो जाएगा 1 हफ्ते बाद, अब तक उसमें कोई बड़ी कामयाबी मुझे नहीं मिली। और उसकी वजह यह है कि वुलर में ठेका छोड़ने के लिए अफसरों ने ये तक धमकी दी कि जब तक हम बैठे हैं तब तक टेंडर नहीं होगा। पैसा नहीं था, दिल्ली से नहीं मिला, मैंने अपने यहां से जब आपको एयरपोर्ट के लिए दिया तब 200 करोड़ वहां भी दिया। डल लेक में 8 महीने से डीपीआर बनाने के लिए सरकारी कंपनी कह रही है कि डीपीआर बनाओ। कल मैंने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि अगर 15 दिन में आप इसको नहीं करेंगे तो आप यहां से छुट्टी करके चले जाए, लेकिन किस किस से लड़ूंगी मैं, केजरीवाल हो जाऊंगा लड़के। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक का प्रेशर भी आना चाहिए। सबसे बड़ी जो बीमारी है जम्मू कश्मीर की वो भ्रष्टाचार की। अभी मैं गया था अमरनाथ, टट्टू वाले लड़के थे, हजारों होते हैं, बेचारों पे स्वेटर भी नहीं था। और उसी श्रीनगर में 15-15, 20-20 कमरे के मकान है और करोड़ों के कालीन अफसरों, जितने अफसर
फॉरेस्ट के अफसर, सिंचाई के अफसर, सबको जानता हूं मैं, जो जो रिटायर होके गए हैं, सबके बंगले महारानी बाग और वसंत कुंज में है दिल्ली में। इन सबों को अगर मेरे हाथ में हो सारे देश का इंतजाम, तो इन पे मैं मुकदमे चला के जेल में भेजूं और इनकी सारी दौलत वापस ले लूं गरीब लोगों के। इतनी गुर्बत लद्दाख में, गुर्बत है यहां, गुर्बत है श्रीनगर में, तो गुर्बत की कोई सीमा नहीं है। जिसको डाउन टाउन कहते हैं, जो शहर का सबसे पुराना हिस्सा है, उसकी गरीबी का बखान करने के लिए मेरी जबान पे पाबंदी, क्योंकि बता नहीं सकता वो लोग पेट पालने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन जो अय्याश लोग, ये जो बड़े बड़े खानदान जिन्होंने कश्मीर को चलाया है, इनकी दौलत की कोई सीमा नहीं है इनके। इनका एक घर यहाँ है, एक बंगला दिल्ली में है, एक बंगला दुबई में है, एक बंगला लंदन में है, और दुनिया की सब जगह इनके बंगले हैं, सब जगह इनके इन्वेस्टमेंट हैं। कोई होटल है बड़ा जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का, उसके बारे में पता करते हैं तो फला नेता का इसमें हिस्सा है, किसी दूसरी बिल्डिंग में पता करते हैं तो इस नेता का इसमें हिस्सा है, सब में हिस्सेदारी है। और आम आदमी बहुत बुरी तरह, कश्मीर का आम आदमी भुगत रहा है। कश्मीर से मेरा मतलब सिर्फ वैली नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और आपके खित्ते के लोग बहुत गुर्बत में रहे हैं, और आपका रुपया खा के लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। मैं जितने दिन हूं, मैं आपको ये गारंटी करता हूं, आपका सहयोग मिला तो, इनमें से जितने जितने जो बड़े मगरमच्छ कहे जाते हैं, जिन्हें मैं एक चीज सुनाने से नहीं रुकना चाहता, जब राजीव गांधी जी थे तो आपको याद होगा एक बोफर्स का मामला हुआ, उस मामले में मैंने और मुफ्ति सईद साहब ने राज्यसभा का इस्तीफा दे दिया था कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें गड़बड़। तो इस्तीफा देने के बाद मैं अपने शहर में एक मुशायरे में गया, वहां बुलाया गया मुझे, तो मेरा जब तारुफ करा रहे थे, तो जो लड़का था मेरे साथ का ही था, उसने कहा कि ये अभी 4 साल की राज्यसभा से इस्तीफा दे के आए, बड़ी बात। तो वहां एक शायर भी था जो मेरा दोस्त हो गया था जेल में इमरजेंसी में, उसने एक शेर कहा, एमपी साहब, उसने कहा कि आपने इस्तीफा तो दे दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप मेरा शेर सुन लें। उसने कहा कि हुजूर इनको कैसे पकड़ पाइएगा, हुजूर इनको कैसे पकड़ पाइएगा, बड़ी मछलियों के समंदर अलग। तो ये जो बड़ी मछलियां हैं, इनको लोग समझते हैं कि ये नहीं पकड़ी जा सकती हैं। 2-3 महीने में आपको कम से कम मैं 2-3 बड़ी मछलियां जो मिनिस्टर रही हैं, उनको जमानत करते हुए बताऊंगा, और तब आपसे ताली चाहूंगा कि तब आप ताली बजाए, अभी ना बजाए। क्योंकि मेरा तो बस नहीं चल, ये लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं, भी क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे, बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता। श्रीलंका में एक एलटीटी करके संगठन था, दुनिया में उतना पावरफुल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन खत्म हो गया। सरकारों से इस तरह नहीं लड़ा जाता, बातचीत से तुम सब कुछ ले लो। अब उनको समझा रहे हैं, और यही नेता जो दिल्ली में जाके ये हमको डराते हैं और यहां इनको भड़काते हैं। हमने कहे एक जबान बोलो, या तो ये जबान बोलो या वो बोलो। ये जो बच्चे हैं अब 250 के करीब रह गए, 100-125 पाकिस्तान के हैं, वो एनकाउंटर होता है तो मरने में 2 दिन लेते हैं, ये 2 घंटे लेते हैं। बेचारों की तो ट्रेनिंग नहीं है, इनके अच्छे हथियार भी नहीं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब इनको समझाया जा रहा है ना, तो अब कह रहे आजादी दिला देंगे, ना कह रहे ऑटोनॉमी दिला देंगे। अब इनको जो वो हमारे देवबंदी मौलवी साहिबान है, वो कह रहे हैं कि तुमको जन्नत नसीब होगी मर। अब भाई आपका एक आपका रिलीजियस अकीदा है, मैं तो उस पर डाउट नहीं करता, लेकिन मौलवी साहब तो आपके को मरने के बाद जन्नत दे रहे हैं, मैं आपको जिंदा रहते 2 जन्नत दे रहा हूं। एक जन्नत तो वो है कश्मीर, जिसमें जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही। इसको लो, इसको डेवलप करो, इसको आगे बढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत जहीन है, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारे लड़के पूरे देश में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनते हैं, इनको आगे बढ़ाओ, ये जन्नत लो और बे
بہتر مسلمان کے طور پہ جب مرو گے تو وہ جنت نہیں ملے گی, کیوں بندوق سے مرتے ہو؟ تو میں اب آپ جا کے دیکھیے گا تو ویلی میں بھی بہت فرق طرح کا ماحول, لوگوں کا ٹیمپر ڈاؤن ہے, لوگ سمجھداری کی بات کر رہے ہیں, لوگ آپسداری کی بات کر رہے ہیں. 30 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب ہوم منسٹر آیا ہے تو حریت نے بند کی کال نہیں دی. ابھی میں نے کشمیری برہمنوں کو واپس لانے کے لیے کہا کہ آپ سب لوگ ان کو جاؤ واپس لاؤ ان کے گھر دو, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حریت کے چیف نے بھی کہا کہ میری بھی یہ رائے ہے کہ انہیں آنا چاہیے, انہیں بلایا جانا چاہیے. تو ماحول بہت سدھر رہا ہے, اس ماحول کو آگے لے جانا ہے, اور یہ جو بھرشٹاچار ہے اس کے خلاف لڑائی لڑنی. جہاں تک ترقی کا تعلق ہے, یہ لے اور کارگل یہ دونوں خطے ہماری آنکھیں ہیں, دو آنکھیں ہیں ہمیں, ایک آنکھ میں فرق کریں گے تو کانے ہو جائیں گے. ہمارے لیے دونوں برابر, دونوں کو ایک طرح سے دیکھیں گے اور دونوں کی ترقی کے لیے باقی خطوں سے زیادہ کریں گے, کم نہیں کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے اور آپ نے مجھے سواگت کیا. جو میں نے آپ کا دستکاری اور کام دیکھا اس کے بارے میں پہلے سے بھی جانتا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور میں آپ کے ڈی سی صاحب جو بہت ہی کمپیٹنٹ افسر ہیں ان کا, آپ کے ایم پی صاحب کا, آپ کے چیئرمین صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جنرل صاحب کے یہاں کسی دن ایک الگ سے ٹور مل کر کے, فوج کے سپاہی چونکہ آپ کے یہاں ہمارے علاقوں کے ہر گاؤں کا کوئی نہ کوئی لڑکا کرگل لداخ یہاں ملتا ہے, تو میں ایک دن الگ سے آپ کے یہاں آؤں گا. بہت بہت شکریہ. پولو میچ ہوگا, پولو ہمارے ثقافت کا ایک حصہ ہے اور اس کے بہت اس کے لیے ایک اچھے گھوڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت یہاں کھری سلطان چوبیا ماتھوں میں دو ٹیموں کے درمیان بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ پولو کا میچ چل رہا ہے. پولو کا ذکر ہمارے لوک گیتوں میں بھی آیا, بہت سارے لوک گیتوں میں پولو کا ذکر ہے, جس میں گھوڑ سوار کا تعریف, گھوڑی کی تعریف اور اپنے راجے کی تعریف, یہ سب جو ہے اس میں شامل ہے. فی الحال یہاں میچ چل رہا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ. امین پولو ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس کھیل کے بارے میں میرے ساتھ بیٹھ کے رواز تبصرہ سنائیں گے. پولو کیونکہ یہ ہماری رائل گیم میں شامل ہے, ہمارے ثقافتی کھیل ہے اور ماضی کی راک میں صرف یہی ایک چیز بچی ہوئی ہے جس کی حفاظت کرنا ہم سب کا اولین فرض ہے. کیونکہ اب وہ شغرن وہ کھیل کا میدان اب آبادی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غلط تجاویزات کی وجہ سے یہ ناپید ہو چکی ہے. اب پھر اس سے ہماری ایڈمنسٹریشن, ہماری ضلع ایڈمنسٹریشن اس کو پھر سے ٹریک پہ لانے کے لیے بہت جدوجہد کر رہا ہے اور ٹوریزم فیسٹیول اسی سلسلے کی کڑی ہے. بے شک ٹوریزم فیسٹیول ہمارے ثقافتی کھیل, ہمارے رقص موسیقی, ہمارے آداب, ہمارے کھان پینے کی عادات, ہمارے لباس, ان سب کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ملک اور دنیا کے طرح طرح کے لوگوں کو کرگل کی جانب راغب کرانے میں کے بعد یہاں یہ ایگزیبیشن میچ یہاں پہ ختم ہوگا جو ہمارے مہمان خصوصی کے لیے. تو میں ریفری سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میچ کو جو ہے یہاں پہ روک دے. تو ریفری اپنا وسل بجا کے میچ کو یہاں پہ روک دے. یہ ایک ایگزیبیشن میچ تھا ہمارے آج کے مہمان خصوصی کے لیے. تو اس کے بعد پھر مزید جو ہے شام کو پولو کے میچز یہاں پہ ہوگا. تو ریفری سے گزارش ہے میچ کو یہاں پہ روکیں. اور لائن اپ, ہاں تو तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड جے 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 جے. راشٹریہ گان کے ساتھ ہی میں ہمارے ماننیہ
एप्लीकेशन भी दे चुका है सर हमारे मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने, उस पर कोई अमल नहीं हुआ सर। पर्सनल जमीन है किसी की? सरकारी वो चेंज किया है सर, टाउन एस्टेब्लिश करने के लिए। सरकार तो एक ही चीज है सर, न्यू टाउन। किसी का अगर पर्सनल कब्जा किया हो दुकान मकान वो नहीं सर, तो मैं खाली करा दूंगा सर। जी पुरबसन प्लेटू की जगह पर जमीन दिया गया है, वहाँ जमीन दिया गया है। अच्छा अच्छा, नया टाउन बनाने के लिए सर ये है, साहब है ये बात करेंगे, हो जाएगी, मैं मदद करूंगा इसे। जी स्पेशल अलाउंस के लिए सर ये एम्प्लॉइज के तो बहुत जायज मांग है, हो जाएगी जल्दी। आप जी सर, सर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए एजुकेशन में हम दो कॉलेज तो मैंने आज ही अनाउंस किए हैं, जितने हैं जूनियर हाई स्कूल हैं उनको अपग्रेड करना है, जितनों की लिस्ट देंगे सबको कर देंगे। हेल्थ सेक्टर में जहाँ जहाँ वो नहीं है, स्टाफ नहीं है, थोड़ा दिक्कत होती है आने में, आदमी घबराता है बाहर का, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और अपग्रेडेड हॉस्पिटल भी बनाने की कोशिश करेंगे। सर ओवरऑल जे एंड के लेवल पे सर मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हमने आने के फौरन बाद जितने आपके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे अनफिनिश्ड, उन सब के लिए 8,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और सब पे काम शुरू करा दिया जी। 52 नए कॉलेजेस दिए, जो जूनियर हाई स्कूल थे उनको 282 को अपग्रेड किया और अब फिर कर रहे हैं, 50 कॉलेज और नए दे रहे हैं। इसके अलावे कोई भी आदमी चला जाता है बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सबसे मिलता हूँ, व्हाट्सएप पे भी एक्शन होता है जी जी। 78,000 कंप्लेंट्स अभी तक मेरे सेक्रेटरीट को मिली है जिसमें 76 का निस्तारण हो चुका है जी जी। तो एक तरह से हमने राजभवन को खोला हुआ है लोगों के लिए और लोगों की शिकायतें सुनी जाती है। हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको हिदायत है वो हफ्ते में एक दिन पूरा दिन ग्रीवेंस सुनते हैं। इसी तरह डीसी साहब, अभी आपने देखा होगा कि हमने आईएएस और केएस अफसरों को गांव में भेजा जी जी, दो दो तीन तीन गांव में गए। मेरे पास अभी इस फोन में मैं दिखा सकता हूँ, बुरहानवानी के गांव में पंचायत हुई, अफसर गए और जाकिर मूसा का फादर उस पंचायत में मौजूद है। तो लोगों को ये लग रहा है कि जिन अफसरों के लिए हम श्रीनगर जाते थे और हमारी मुलाकात नहीं होती थी, वो गवर्नर रूल ने हमारे घर पे भेज दिया, सबको भेजा और वो वहां से बना के लाए, किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या होना है, 6 महीने बाद मैं फिर भेजूंगा इस हिदायत के साथ कि ये हो गया ये हो गया ये हो। सर मगर लोगों के कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे जो बैन हो रहा है उसकी वजह से आप गए वहाँ जी? सुनी सुनाई बात मत कर, कोई बैन नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ये सिर्फ ट्रैफिक को एक तरह से, यहाँ भी अगर वन वे ट्रैफिक है तो कहीं पुलिस फिर मैनिंग करती ना, सिर्फ इतना है कि पहले तुम निकल जाओ फिर तुम निकल जाओ, और सिर्फ 2 घंटे है वो, उसमें भी स्टूडेंट को नहीं रोकते हैं, एम्बुलेंस को नहीं रोकते हैं, जिसका वहाँ कारोबार है उसको नहीं रोकते हैं, दुकानदार को नहीं रोकते, ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और ये कश्मीर में इसकी बहुत आदत है जी झूठ को फैलाने की, बहुत आसानी से फैला देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 3 बार तो पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग प्रेस करके कह चुके हैं कि भाई कहाँ चल के हमें बताओ। सर बेरोजगारी की बेरोजगारी खात्मे के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? मैं आपके एमपी साहब से चेयरमैन साहब से मिलके यहाँ क्या क्या हो सकता है, देखिए टूरिज्म बढ़ेगा, ये एयरपोर्ट चलने लगेगा, सिविल फ्लाइट्स आ जाएंगी, टूरिज्म में बहुत रोजगार है, वो कराएंगे। एक मैं अभी बात करूंगा जाके दिल्ली कि जिस तरह लद्दाख स्काउट से इसी तरह करगिल स्काउट एक बना के उसकी भर्ती हो, बच्चे हो उसमें आपके आए, और भी जो काम हो सकता है और आपके सजेशन से मैं करूंगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, स्पोर्ट्स में हमारे अभी हाल ही में एक लड़का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 10th रैंक पर आया सर, और 2 बच्चे अभी जॉर्डन गए सर अमान में एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो यहाँ पे बहुत आप उनको कहिए मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं उनकी फाइनेंशियल मदद कराऊंगा। एक राइजिंग कश्मीर करके फुटबॉल टीम है, वो कश्मीर की टीम थी, उसको मैंने 2 करोड़ अपने यहाँ से दिया, 2 करोड़ जेके बैंक से दिलवाया, पहले झटके में वो देश की 3 टॉप टीम में आ गई। उसने मोहन बागान को हराया, ईस्ट बंगाल को हराया, चर्चिल एलेमाओ को हराया, और अब की उनको भरोसा है कि शायद वो कप लेके कश्मीर में आएंगे। खेल के लिए हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर रुपया एलोकेट किया है, हर पंचायत लेवल पे हम खेल की जमीन आइडेंटिफाई करा के बच्चों को दे रहे हैं जी। सर इसी में सर मिस्टर अतुल पंगोत्रा है जो इंडिया का कोच है सर, वो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स और इसमें एक टीचर भी है सर, उन वो इन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग देके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, मगर आज क्या हो रहा है उसको
एक्सप्लेनेशन निकाल के बार बार उसको तंग किया जाता है कि आप वहाँ मत जाओ, यहाँ पे ड्यूटी अटेंड करो। ये सर जानकारी में नहीं हो, मुझे बताएंगे तो मैं। जिस तरह से आपने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का और डिविजनल स्टेटस को लेके, तो खित्ते लद्दाख बिलखसूस जब भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क हुआ है गवर्नर रूल में हुआ है, तो अब लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो अपने चीज को आगाज किया है या पोस्ट जो क्रिएट हुए, तो ये इनका ज्यादा से जल्द से जल्दी इसको भर देंगे। डिपार्टमेंट आ रहे हैं और ये लोग जो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक्स।